हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोगों ने लिमिट्स स्टार्ट कर लिया है। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने लिमिट्स से अपलोड कर लिया है। बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें हमने कर लिया। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक इस टॉपिक से रहेगा, एवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ये दो फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए साइन ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू वन, एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू ए टेन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू वन। ये तो टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमने आज क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कैसा आ गया, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है आपके पास लिमिट, देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, ठीक है, साइन एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, ठीक। तब आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ तो एक्स है और यहाँ पे क्या है आपका पाई माइनस एक्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन x प्लस एच अपॉन पाई माइनस x प्लस एच पाई माइनस, सॉरी x की वैल्यू क्या आपकी पाई है, तो x क्या हो गया आपके, x की जगह पे वैल्यू क्या आ गई पाई आ गई, पाई प्लस एच एंड पाई प्लस एच, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए को कर देते ना अपन ए प्लस एच, तो वैसे क्या हो गया यहाँ पे ये पाई प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पाई प्लस एच, पाई प्लस एच आपकी वैल्यू क्या होगी साइन पाई प्लस एच। आप देखो क्वाड्रेंट में जाओगे तो ये हो गया आपका पाई बाई टू, ये हो गया पाई। अब पाई प्लस एच यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, ठीक है। इस वाले लाइन के साथ मालूम है साइन का साइन रहता है, कॉस 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 होता है, ये वाले साइन में साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, और यहाँ पे साइन क्या रहती है आपकी नेगेटिव रहती है क्योंकि, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एच अपॉन, ये देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस एच, यानी क्या हो गया यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई एच विच इज इक्वल टू क्या आ गया आपकी वैल्यू वन, सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप इसको क्या लिख सकते हो, या तो आपको साइन को पाई माइनस एक्स में क्या आ रहा है, पाई माइनस एक्स है तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स, अगर आपका उतना ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो आप उससे कर लीजिए, ठीक है। मतलब आप इसको और से लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई, ये आ गया आपका साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, तो डायरेक्ट वन आ गया, ठीक है। पाई माइनस एक्स यानी इस क्वाड्रेंट में रहेगा, यहाँ पे साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हमने डायरेक्ट पाई, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लिया, पाई लगा लिया साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स साइन का क्वेश्चन नहीं बदलना चाहिए, साइन का कॉस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे देखो अगर आ गया क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, ठीक है, सिंपल। सबसे अच्छा तरीका यही रहता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस ऑफ, ये क्या हो गया देखिए पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई माइनस टू, एक्स की जगह कर दो पाई बाई टू प्लस एच, जो भी दिया गया है पाई बाई टू प्लस एच। अब देखो कॉस पाई बाई टू प्लस एच यानी ये पाई बाई टू प्लस एच आप यहाँ पे आ गए, ये वाले लाइन के साथ क्या होता है कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कॉस क्या होता है, यहाँ पे तो सिर्फ साइन पॉजिटिव रहती है, यहाँ पे कॉस क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन, ये देखो ये टू टू कैंसिल हो गया, ये बच रहा है पाई पाई, ये देखो पाई माइनस टू एच हो गया, यानी आ गया माइनस टू एच, यानी आप निकाल दो वन बाई टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एच बाई एच, आंसर क्या आ गया आपका वन बाई टू, सिंपल सा आंसर आता है, कुछ चेंज करने की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से बनता है, देखो एकदम सिंपल वे में आपका ये ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू कैसे पुट करते हैं वो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियोज़ आपके शॉर्ट्स भी अपलोडेड हैं,
ठीक है, चेक कर सकते हैं इसे, ठीक है। अभी और कराने वाले हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन उठाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू कॉट एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स, सेम चीज क्या आ जाएगा बताइए। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कॉट पाई बाई टू प्लस एच अपॉन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एच, कॉट पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू प्लस एच यहाँ आ गया। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी ये क्या मिल जाएगा बताइए मुझे। लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो माइनस टेन एच अपॉन पाई बाई टू, पाई बाई टू कट गया माइनस एच, टेन एच बाई टेन एच क्या हो गया, आंसर आ गया बन सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े आराम से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और क्वेश्चंस उठाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, चलिए इसी को थोड़ा सा और, अभी सब सिंपल बता रही हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, चलो देखने में डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जहाँ पे x है वहाँ पे लगा दीजिए। चलो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, ये आ गया पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एच, ब्रैकेट ओपन कर दिया है ना, या माइनस होना चाहिए, ओपन कर दिया, ठीक है। और ये आ गया टेन पाई बाई टू प्लस एच, कन्फ्यूजन है तो ऐसा लिख लो भाई, कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। तो ये कट गया, बच क्या रहा है यहाँ पे देखिए, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एच और टेन पाई बाई टू प्लस एच, अगेन टेन पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट एच, तो ये क्या आ जाएगा माइनस कॉट एच, ये लो भाई। अब ये माइनस और ये माइनस तो मिलके हो गया प्लस, कॉट को उल्टा कर लो तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच अपॉन टेन एच, और मॉडिफाई कर लो क्या आ जाएगा भाई, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो वन अपॉन टेन एच बाई एच, ये नीचे आ जाता है, तो ये आंसर क्या आ गया फाइनली वन, सिंपल, ठीक है। बहुत आसानी से सॉल्व होता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं, अलग अलग मेथड अप्लाई मत करिए, नहीं तो क्या होता है वो डायरेक्ट फार्मूला बनाने की कोशिश, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला ये क्लियर होना चाहिए तभी हो पाएगा। इसमें ज़्यादा इजी पड़ता है, आसानी से कीजिए, बहुत सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन अपना एक स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट करो, उसी के थ्रू सॉल्व करो तो ज़्यादा आसानी से बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अलग अलग मेथड हर क्वेश्चन में लगाओगे तो आप ही कंफ्यूज होते चले जाओगे, ओके। तो इसीलिए सिंपल से मेथड यूज़ करिए, अपने आप क्वेश्चंस बनेंगे। चलो एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं, जैसे कि हाँ ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल उठाते हैं। देखिए अगर आ गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय फोर, ठीक है, साइन x माइनस कॉस x अपॉन x माइनस पाई बाय फोर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, x को यूज़ करोगे, अभी तक जो फॉर्मूला लगाए थे अगर उसको लगा दोगे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू ज़ीरो साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस h माइनस कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस एच अपॉन पाई बाई फोर प्लस एच माइनस पाई बाई फोर। अब देखो साइन पाई बाई फोर प्लस एच माइनस कॉस पाई बाई फोर प्लस एच, ठीक है। अगर एच की वैल्यू ज़ीरो होती है तो साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, ये वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू ज़ीरो, ये कैंसिल हो गया, h की वैल्यू ज़ीरो, कौन सा केस आ गया देखो यहाँ पे, ये जीरो बाई जीरो का केस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे या तो आप इसको एक तरीका यूज़ कर लो, इसको ओपन कर लो, साइन ए प्लस बी और यहाँ पे कॉस ए माइनस बी लगाइए, फिर पाई बाई फोर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, क्योंकि पाई बाई फोर तो हट जाएगा, साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, तो ए तो पाई बाई फोर है, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर सब में कॉमन आता जाएगा, फिर जो कैंसिल होगा उसको निकालोगे और फिर सॉल्व। ये बहुत लंबा मेथड है, ठीक है, करके बता देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो साइन पाई बाई फोर कॉस एच प्लस कॉस पाई बाई फोर साइन एच माइनस कॉस पाई बाई फोर कॉस एच माइनस साइन पाई बाई फोर साइन एच, प्लस का माइनस साइन हो गया, ठीक है, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, माइनस है, हो गए आपके, ठीक है। अभी देखो पाई बाई फोर, पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, ठीक है, कॉस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो अब आपका क्या हो गया, देखो ये और ये तो आपका पाई बाई फोर कॉस एच माइनस पाई बाई फोर कॉस एच, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ख़त्म। साइन एच और ये साइन एच, पाई बाई फोर, पाई बाई फोर बाहर आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो टू साइन एच, पाई बाई फोर की वैल्यू बाई रूट टू होल डिवाइडेड बाई, ये तो कटा हुआ था अपने पास, एच आ गया, तो आ गया, आ गया टू बाई रूट टू, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन एच बाई एच, तो आपका आंसर आ जाएगा टू बाई रूट टू। चेक कर लेते हैं आंसर क्या आ रहा है, एक मिनट, टू बाई रूट टू हो गया तो क्या जाएगा, हाँ तो आपका सॉल्व होने पे क्या जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो कि क्या आ जाएगा, टू बाई रूट टू इंटू रूट टू बाई रूट टू, तो आपका आंसर आ जाएगा रूट टू, ठीक है। ये तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, दूसरा मेरे को पाई बाई फोर दिख रहा है, तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए दूसरा तरीका और मेथड बता रही हूँ, ठीक है। देखो और मेथड जो ईजी होता है उसका मैं और मेथड भी बता देती हूँ, ठीक है। और मेथड में क्या करेंगे भाई, हमने क्या कर दिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई फोर, ये आ गया ले लो भाई रूट टू, ये क्या किया मैंने, रूट टू का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये आ गया साइन एक्स माइनस वन बाई रूट टू कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। साइन एक्स कॉस, साइन के साथ मेरे को मालूम है वन आ जाता है, तो मैं क्या करूँगी, रूट टू को कॉस पाई बाई फोर ले लूँगी, यहाँ पे साइन पाई बाई फोर लूँगी, यानी क्या आ जाएगा, रूट टू को बाहर निकाल दो, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई फोर, इसको लिख सकते हैं अपन साइन एक्स कॉस पाई बाई फोर माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाई फोर अपॉन आपका वही चल रहा अभी एक्स माइनस पाई बाई फोर, किसका फॉर्मूला आ गया बताओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, यानी रूट टू लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई फोर साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर अपॉन एक्स माइनस पाई बाई फोर, ये लो भाई फॉर्मूला यूज हो गया, डायरेक्ट वन आ गया, तो रूट टू इंटू वन आंसर आ गया रूट टू, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस रूट टू अगर आते हैं, पाई बाई फोर है आगे कर सकते हैं, वैसे ही आ सकता है आपका पाई बाई सिक्स के लिए दे सकता है, रूट थ्री दे दिया यहाँ पे वन दे दिया, बाई टू से कर लो तो पाई बाई सिक्स का क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करना चाहूँ तो ये लो यहाँ पे रूट थ्री दे देती हूँ, यहाँ पे पाई बाई सिक्स दे देती हूँ, यहाँ पे पाई बाई सिक्स कर देते, आप यहाँ टू मल्टीप्लाई करो, यहाँ टू मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे वन बाई टू आ जाएगा साइन पाई बाई कॉस पाई बाई सिक्स साइन एक्स माइनस साइन पाई बाई सिक्स कॉस एक्स, आंसर आ गया वन, आंसर में कॉमन क्या निकलेगा टू, तो आपका आ जाएगा आंसर टू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिना उसके। इसी केसेस में कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री देखो, पूरा जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये बहुत अच्छे से बनेगा, ओके। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, सिंपल कुछ में लगो, क्या कर लो यहाँ पे, ए साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा लो, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या क्या, टू साइन एक्स माइनस ए बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस ए बाई टू अपॉन एक्स माइनस ए बाई टू चाहिए, तो मैंने यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हो गया।
आ गया, ये टू और ये टू हो गई कैंसिल, ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, हो गया आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन कैसा बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन ऑफ एक्स माइनस ए बाई टू अपॉन एक्स माइनस ए बाई टू और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस ऑफ एक्स प्लस ए बाई टू। ठीक है, ये तो हो गया वन और ये कॉस ऑफ एक्स प्लस ए बाई टू, एक्स की वैल्यू क्या है ए, ए वैल्यू पुट कर दो, ये तो हो गया वन, यहाँ पे ए प्लस ए टू ए, टू ए डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सीधा देखो कॉस ए, सिंपल। ठीक है, तो कोई भी लिमिट के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी गोइंग होते हैं, आप लोगों को ज़्यादा टफ नहीं पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्लियर है तो सारा आंसर बन जाता है। चलो एक फटाफट मैं इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बताती है, सिंपल कर लिया ना, अब एक कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको डबल दो तीन फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, उसके ट्रिक्स अपन करते हैं। ठीक है, जैसे आ गया लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी कॉस एक्स बाई टू कॉस अपॉन एक्स अपॉन टू स्क्वायर कॉस अप टू क्यूब इन डैश 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 कॉस एक्स अपॉन टू टू द पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका कॉस ए कॉस टू ए कॉस ऑफ टू का पावर एन माइनस वन ए इज इक्वल टू साइन टू का पावर एन, साइन टू का पावर एन इंटू ए अपॉन टू टू द पावर एन साइन ए। ये एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट ट्रिक याद रखने का है, साइन का ये फॉर्मूला है साइन टू टू द पावर एन ए टू टू द पावर एन साइन ए, ये इसका फॉर्मूला बनता है इतने पूरे का। ये फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए आपको इसमें इम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे बताइए, देखिए लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी साइन ए टू ए टू टू द पावर एन माइनस एन, टू है तो यहाँ टू क्या है वन बाई टू के फॉर्म पे है, तो ये क्या आ जाएगा बताइए टू टू द पावर एन, ये देखो टू टू द पावर एन ए, ए क्या है मेरा एक्स अपॉन टू टू द पावर एन। ठीक है, अपॉन मेरे पास क्या आ गया, ये देखो टू टू द पावर एन साइन एक्स अपॉन टू टू द पावर एन, हो गया। अब ये देखो ये टू टू द पावर एन टू टू द पावर एन तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया देखो यहाँ पे लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ये आ गया तुम्हारा साइन एक्स टू टू द पावर एन साइन, ये इसको वन अपॉन टू टू द पावर एन कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, हाँ साइन एक्स, साइन एक्स अब टू टू द पावर एन साइन एक्स अपॉन टू टू द पावर एन, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो साइन एक्स अपॉन टू टू द पावर एन, तो ये टू टू द पावर एन को अगर मैं नीचे ले जाती हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे नीचे, क्या आना चाहिए एक्स अपॉन टू टू द पावर एन, तब ये बनेगा वन, तो मुझे एक एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतनी वैल्यू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी में क्या हो जाएगी वन आ जाएगी, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो आपका क्या आ जाएगा इतनी वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी वाली क्या आ जाएगी, हो गई वन, तो आपके पास आंसर क्या बचा यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स, सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखने में टफ लगते हैं बट होते नहीं हैं, इसलिए सॉल्व इजीली करने का कोशिश करिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस ट्रिकी, अब आपके जो कॉम्पिटिटिव IITs में इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखते हुए करना है, तो ये टॉपिक आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखिए मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी हर एक छोटे छोटे टॉपिक को अलग से सॉल्व समझा रही हूँ ताकि हमको प्रॉब्लम ना जाए, हम उस एक्सरसाइज को डेली डेली प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अगले बार हम फैक्टराइजेशन करते हुए क्वेश्चंस करेंगे, दो तीन नए टॉपिक्स उठाएंगे, एक्सपोनेंशियल और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जल्दी सब ख़त्म हो, फिर इन्फिनिटी वाला भी करना है हमको और डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है, तो जो भी डाउट्स है पूछते जाइए और
ऑब्वियसली पता है, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे।